दशहरे के मेले को वृक्ष भी लगाया जाता था पहले, वहाँ पे दशहरे में के दिन ही जो है रावण जलाया जाता है, और हमारे यहाँ जो है जत्ता पट्टा का मेला लगता है उसी को उपलक्ष में जो है जलाया जाता है, और ये परंपरा 2500 साल से चलती चली आ रही है, इसी कारण जो है हम लोग जो है वही परंपरा को कायम रखने के लिए रावण जलाते हैं जत्ता पट्टा की वजह से। तो रावण जला के क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हिंदुत्व आतिकत्व जो है रावण जो है इसी कारण जो है हम लोग करते हैं, ये बुराई का प्रतीक मानते हैं रावण को, इसलिए रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, और हम लोग रावण को जला करके जो है जत्ता पट्टा को जो है वृक्ष मिल सके। रावण जलाने की परंपरा वैसे तो दशहरे के दिन होती है, लेकिन जगदीशपुर के पास में एक सुरकुटी है जहाँ पे दीपावली के दूसरे दिन रावण जलाया जाता है। ये रावण यहाँ एक जड़ता पड़ता मेला लगता है, इस उपलक्ष में जलाया जाता है। लोगों को मानता है कि दीपावली के दूसरे दिन रावण जलाने से समाज में बुराई दूर होती है, और लोग एक इसे खुशी के रूप में मनाते हैं। धर्मेंद्र सिंह, ETV भारत, जौनपुर।